सभी कष्टों को दूर करे आप सभी के जीवन में, क्योंकि संकरो तु संकरः, जो सबका कल्याण करे, शिव, शिव का मतलब होता कल्याण, शिव का तात्पर्य ही कल्याण होता है, जो सबका कल्याण करे वह शिव है। संकरो तु संकरः, शिवम करो तु संकरः, शुभम करो तु संकरः, जो शुभ करे, कल्याण करे और सब प्रकार से हमारा जीवन में उत्थान हो, ऐसा जिसका जिसकी कृपा से हमारा जीवन सभी प्रकार से उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त हो, वो शंकर है। और उस शंकर का ही हम आज यहाँ देखिए, आपने पुष्प दंत आचार्य जी का नाम सुना होगा, श्रीमन सुना है, महिमन पारंते परम विदुष, एक बहुत अच्छी स्तुति है भगवान शिव की, अद्भुत स्तुति है। उसमें पुष्प दंत आचार्य भगवान शंकर के लिए कहते हैं कि असित गिरी समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतर वरुषाका लेखनी पत्र मुर्वे। देखिए कितनी अद्भुत बात कही है, असित गिरी समम स्यात्, ये जो पूरी पृथ्वी को, तो एक जैसे स्लेट होती है ना, स्लेट पे लिखते हैं, और किससे लिखते हैं, स्याही से, कज्जलम स्याही से, और क्या करते हैं, सुरतर वरुषाका लेखनी पत्र मुर्वे, जो लेखनी किस चीज की बना रहे हैं, सुरतर शाखा माने कल्प वृक्ष की लेखनी। उसके बाद क्या कहा, लिखती यदि गृहत्वा शारदा सर्वकालम, और लिखना कहाँ है, इस पृथ्वी पे, वह पूरी पृथ्वी की स्लेट बनाई जाए, सारे समुद्रों की स्याही बनाई जाए और कल्प वृक्ष की लेखनी बनाई जाए, और लिखा किसके ऊपर जाए, पृथ्वी के ऊपर। लिखती यदि गृहत्वा लिखे कौन, कहा कि शारदा भगवती सरस्वती, वो स्वयं भगवती सरस्वती लिखने बैठे, और कितने समय के लिए, कहा सर्वकालम, लिखती यदि शारदा सर्वकालम, पूरा समय के लिए। तदपि तव गुणानाम ईशः पारन्नयाति, तब भी आपका गुणों का, जो ईश्वर से कहा है भगवान शंकर, आपके गुणों का पार नहीं किया जा सकता। तो जहाँ पुष्पदंत आदि यक्ष ये प्रार्थना कर रहे हैं, तो वहाँ हम मानव मात्र की तो बात ही क्या है, हम लोग जो हमारी छोटी, बहुत छोटी बुद्धि है, उससे जितना भी हम भगवान शिव का गुणानुवाद कर पाएंगे उतना करेंगे। अभी 11 दिन शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं और 7 संहिताएं हैं। पहले इसमें ऐसा कहते हैं 1,00,000 से ज्यादा श्लोक थे और 12 संहिताएं थी, फिर व्यास जी ने इसको थोड़ा छोटा किया शिव महापुराण को, तो फिर इसमें 24,000 श्लोक। तो 24,000 श्लोक यदि हम 9 दिन या 11 दिन कंटिन्यूसली ये करें, तो 24,000 श्लोकों का हम व्यास पद्धति से तो व्याख्यान नहीं कर पाएंगे, संभव नहीं है। हाँ, समास पद्धति से हम उसको लेते हैं। देखिए दो पद्धति होती है, छोटी चीज को बड़ा चढ़ा के कहना होता है व्यास पद्धति, एक श्लोक लिया और श्लोक की व्याख्या पूरा दिन करते रहे, उसको कहते हैं व्यास पद्धति। लेकिन दूसरी पद्धति होती है समास पद्धति, उसमें क्या है कि बड़े बड़े विषय को छोटे रूप में कहना, जैसे जिसको गागर में सागर कहते हैं, वह गागर में सागर भरने वाली बात वो समास पद्धति होती है। तो व्यास और समास दो पद्धति हैं जो वक्ताओं के मध्य प्रचलित हैं, तो हम उन्हीं में से दोनों का सहारा लेकर के किसी बात को बढ़ा के भी कहेंगे और किसी बहुत सारी बातों को हम छोटा करके भी, क्योंकि इतना समय भी नहीं है, रोज 1 घंटा ही बोलना है, तो ये समझिए 11 घंटे में इतने श्लोक तो यदि आदमी पढ़ने बैठे तो ना हो पाए, केवल श्लोकों को पढ़े उनके अर्थ सहित। लेकिन फिर भी जो भगवान शंकर के अद्भुत गुणानुवाद है
उसको करने का हम प्रयत्न करेंगे, और आप लोग भी उसको सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे, ऐसी मेरी प्रार्थना सभी से है कि जितने भी लोग हैं अधिकाधिक संख्या में आए, और जो ऑनलाइन भी जुड़े हैं फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, उनको भी आज तो आज का ज़माना तो हाईटेक ज़माना है ना, तो इसमें जिस जिनको भी भगवान शिव पुराण का बड़ा महत्व है, और आज हम केवल शिव पुराण के महात्म के बारे में ही, इम्पोर्टेंस ऑफ शिव पुराण, टुडे वी विल डिस्क्राइब ओनली इम्पोर्टेंस ऑफ शिव पुराण, हम आज केवल इम्पोर्टेंस ही बताएंगे इसकी, क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि प्रयोजन अनुदिश्य तो मंदोपि न प्रवर्तते, ऐसा कहा है बिना प्रयोजन के तो मूर्ख से मूर्ख आदमी भी किसी काम में प्रवृत्त नहीं होता। और कई बार ऐसा होता है प्रचार का बड़ा महत्व, आज के समय में आप टीवी देखते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं, यूट्यूब है, कहीं भी कितनी सारी मशहूरी आती है ना, उसमें एडवर्टाइजमेंट आती है, तो किसी चीज के बारे में जब हम जानते नहीं तो आप खरीदेंगे नहीं उसको आसानी से, क्योंकि आप उसको जानते ही नहीं। तो इसी प्रकार इस किसी भी वस्तु के महत्व के बारे में, किसी वस्तु के इम्पोर्टेंस के बारे में, इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ एनीथिंग और एनी, जैसे आप यहाँ गाड़ी है बीएमडब्ल्यू है या मर्सिडीज है, भाई आपने बहुत बार सुना होगा मर्सिडीज ऐसी है, बीएमडब्ल्यू ऐसी है, रोल्स रॉयस ऐसी है, उनके बारे में उनकी महत्ता सुनी आपने, तभी तो वी आर गोइंग टू बाय, लोग जाते हैं खरीदने के लिए, वी स्पेंड मच मोर। आप ये देखिए, आप फोक्सवैगन कार लीजिए और रोल्स रॉयस कार, उसमें इतना ज्यादा क्यों खर्च करना पड़ता है, फोक्सवैगन में इतना क्यों नहीं, क्योंकि उसकी इतनी ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके उसकी महत्ता बताई गई है। सेम इसी प्रकार हमारे पुराणों में भी माध्यम्य का विधान है, जितने भी पुराण है सभी में माध्यम्य है, वो श्रीमद देवी भागवत महापुराण हो और या श्रीमद भागवत महापुराण हो, वो शिव महापुराण हो, जितने भी महापुराण है हमारे 18 के 18 में माध्यम का विधान है उसके बारे में, उसके इम्पोर्टेंस का बताने का। तो यहाँ आज हम शिव महापुराण की माध्यम के बारे में हम बात करेंगे अभी। तो देखिए, आपको थोड़ा सा मैं परिदृश्य कैसा है वो समझा दूं। हमारे यहाँ 88,000 ऋषियों का वर्णन मिलता है ज्यादातर पुराणों में, 88,000 ऋषि जो नैमिषारण्य तीर्थ में, जो आचार्य जी के पास में है नैमिषारण्य तीर्थ, ज्यादा दूर नहीं है जहाँ आचार्य जी रहते रहे पहले भारत भूमि में, उत्तर प्रदेश में बहुत अद्भुत तीर्थ है नैमिषारण्य। वहां क्या था कि 88,000 ऋषि बैठ करके सोनक आदि, बहुत अलग अलग नाम के ऋषि थे, सभी लोग सोनक उनमें प्रचलित है, सोनक आदि ऋषि जो है, और सूत जी रोमहर्षण उनका वास्तविक नाम है, वो वक्ता है वहां पुराण के। तो वैसे तो ये जो महापुराण है शिव महापुराण भगवान शंकर जी से ही प्रकट हुआ है, लेकिन यहाँ जो महात्म्य है उसमें ऐसा आता है, सोनक जी बोलते हैं, सोनक उवाच हे सूत महाप्रज्ञ सर्व सिद्धांत वित प्रभो आख्याय में कथा सारम पुराणाम विशेषतः। वो सोनक जी पूछते हैं कि हे सूत जी, आप मुझे सभी, आप सभी सिद्धांतों के जानने वाले हैं, कृपया करके मुझे पुराणों का जो कथा सार है वह बताने का प्रयत्न करें। तो यहाँ सूत जी कहते हैं, धन्यस्तम मुनि शार्दुल सर्वण प्रीति लालसा अतो विचार्य सुधिया वचमी शास्त्रम महाउत्तम। ये सूत जी कहते हैं कि आप बहुत धन्य हैं, आप मुनियों में शार्दुल कहता है सिंह को, भाई आप मुनियों में श्रेष्ठ हैं, और आपकी जो कथा सुनने की इच्छा है, कथा सुनने की जो लालसा है, उसके आपकी जो आपने विचार करके जो मुझे कहा शास्त्र के बारे में, उसको मैं आपको बताता हूं। काल व्याल महात्रास, देखिए कितना सुंदर कहा यहां सूत जी कहते हैं, काल व्याल महात्रास विध्वंस कर्म उत्तमम शैवम पुराणम परमम
शिवेन उक्तम पुरा मुने। यहाँ भगवान ये जो सूत जी हैं कह रहे हैं कि भगवान शिव ने ही और किसी ने नहीं, ये भगवान शिव ने ही पुराने समय में ऐसा कहा है। देखिए पुराण का मतलब क्या है, पुराण का जो महर्षि यास्क हैं उन्होंने पुराण की व्युत्पत्ति की है। पुरा पुराणम कस्मात्, पुरा नवम भवति इति पुराणम। भाई जैसे जो प्राचीन आख्यान है और जो पुराना होते हुए भी नवे नए जैसा दिखा लगता हो वो पुराण है, ऐसी यास्क महर्षि यास्क ने, इसके निरुक्तकार थे यास्क ऋषि, उन्होंने ऐसी व्याख्या की है। तो पुराण का मतलब होता है जो पुराना होते हुए नए जैसा हो, भाई हमेशा नया अर्थ जिसमें प्रकट हो, आप जितनी बार उसको सुने उतनी बार आपकी बुद्धि में प्रकाश हो और आप नया से नया कुछ उसे सीख पाए, ग्रहण कर पाए, ये ऐसा। और मैं बताऊं देखिए ये भगवत कृपा ही है आप लोगों के ऊपर, निश्चित ही आपके पुण्यों का उदय हुआ है और आपकी या आपके पापों का क्षय हुआ है। यहाँ नहीं तो इतने लोग हैं यहाँ, क्यों नहीं आए सभी, नीदरलैंड की बड़ी पॉपुलेशन है, तो यहाँ भी जितने आप लोग हैं निश्चित ही आप ही लोगों को भगवान शंकर ने ये अवसर प्रदान किया है, भगवान शिव की कृपा से ही आपको ये अवसर मिला है। यू गोट सच ए ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी टू हियर लॉर्ड शिवा। भगवान शंकर का जो पुराण है ये, भगवान शंकर के पुराण का महत्व के बारे में अब चर्चा हम कर रहे हैं, अभी आगे बताएंगे उसका महत्व क्या है। अब आप देखिए भगवान शंकर, अभी ये भगत जी भी गा रहे थे अवगढ़दानी, भगवान शंकर को अवगढ़दानी बोलते हैं, ये ऐसे अद्भुत देव हैं भोलेनाथ। अभी आप देखिए कितने भी देव हैं, किसी के साथ भोला लगा वर्ड दिखा किसी ने, आप किसी भी देवता के साथ भोला शब्द सुना है, नहीं सुना, क्यों भोलेनाथ भगवान शंकर के साथ ही क्यों है, वो इतने सरल है। अवगढ़दानी का मतलब क्या होता है समझते हैं, जो देते वक्त कोई चीज विचार ही ना करे, जहां जो सोच करके ना दे कुछ भी किसी को भी, प्रसन्नता और आशुतोष है। सबसे संसार में सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं भगवान शंकर। और मजे की बात आप देखिए, आप भगवान विष्णु के मंदिर जाइए या भगवान कृष्ण के मंदिर जाइए, तो वहां एक परंपरा है, वो सुबह भोग लगेगा, बाद में वो पट बंद होंगे, फिर पट खुलेंगे, शयन होगा, पूरा एक विधि है उनकी सुबह से लेकर शाम तक की। कई बार श्रृंगार होगा है, कभी उनको बाल भोग, जैसे वृंदावन में है वहां तो भगवान श्री कृष्ण के आप देखो बिहारी जी के दर्शन करो जा करके, कभी बाल भोग लग रहा है, कभी उनको फलाना भोग लग रहा है, कभी ढिगड़ा, माने आप समझ रहे कितनी सारी व्यवस्था उनके लिए है। लेकिन हमारे भगवान शंकर बड़े सरल है, उनको तो कोई एक बिल पत्र चढ़ा दे उससे प्रसन्न है, कोई भस्म चढ़ा दे भस्म से प्रसन्न है, और तो और क्या, एक लोटा जल कोई भगवान शंकर को चढ़ाता है तो भगवान शंकर उससे भी रीत जाते हैं, इसलिए तो आशुतोष है, अवगढ़दानी है। अब इनकी एक बहुत अद्भुत कथा है अवगढ़दानी के बारे में, भागवत में भी आती है, कई पुराणों में बड़ी प्रसिद्ध कथा है। आपने भस्मासुर का नाम सुना है, ये भगवान शंकर है, जब देते हैं तो सोचते नहीं आगे पीछे कुछ देखते नहीं। भस्मासुर के बारे में कथा प्रचलित है, भागवत में भी है ये कथा, कई पुराणों में आती है एक्चुअली, कि इसमें शिव पुराण में भी ये कथा मिलेगी आपको। क्या कि भगवान शंकर की उपासना की उन्होंने भस्मासुर ने, कहीं कहीं भस्मासुर का नाम वक्त्रासुर है, कहीं कहीं शकुनी है, किसी किसी अलग अलग पुराण में, लेकिन जो भी हो उसने भगवान शंकर की तपस्या इतनी उपासना, और एक हफ्ते में सप्ताह के अंदर भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया, इतना अद्भुत उन्होंने तपस्या किया, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर ने कहा मांगो, क्या मांगते हो, भगवान शंकर जब देने पे आए तो आगे पीछे की सोचते नहीं, इसलिए अवगढ़दानी है। उन्होंने कहा महाराज मुझे ऐसा वरदान दीजिए
कि मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं भस्म हो जाए। अब भगवान शंकर कितने अद्भुत है, भगवान शंकर ने कहा तथास्तु, बोल शंकर भगवान की, भगवान शंकर ने कहा तथास्तु और वरदान मिल गया। अब थोड़ी देर में क्या हुआ, वहां भगवती पार्वती सती माने जो भगवान शंकर की सहचरी हैं वो भी आ गई। तो असुर है, असुर तो उसके मन में आ रहे तो शंकर जी हैं माने शमशान वासी हैं, हैं ऐसे अमंगल वेशधारी हैं, तो वरदान पाने के बाद हैं उनके पास इतनी सुंदर महिला का क्या मतलब है। तो उनका मन में उनके कोई विचार आए, उन्होंने कहा कि इतनी सुंदर महिला, मैं संसार का सबसे बलिष्ठ आदमी, मैं तो किसी को वशन कर दूंगा है। उनने ऐसा मन में विचार करके भगवान शंकर के ऊपर ही उन्होंने प्रयत्न करने कहा कि देखो ये आपने वरदान दिया तो ट्राई तो करके देखे। तो भगवान शंकर ने देखा है तो आफत मोल ले ली भाई। भगवान शंकर ने त्रिशूल से एक बहुत लंबी गुफा बनाई, ऐसा वर्णन आता है, और भगवान शंकर उस गुफा में चले गए। लेकिन भागवत में तो कथा आती है ब्रह्मचारी रूप धारण के भगवान विष्णु ही, भगवान विष्णु को जब पता चला कि भगवान शंकर किसी संकट में है, तो भगवान विष्णु ने ब्रह्मचारी का रूप धारण किया और उनके सामने आ गए। अरे कहाँ भागे जा रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं भगवान शंकर को भस्म करने जा रहा है। कहा पागल हो गया है, तो बाघ दुतुरा खाने वाले हैं, किसी को कुछ भी वरदान दे दे, मुझे भी तीनों लोगों का स्वामी बनाया बताओ है। जबकि विष्णु तो तीनों लोगों के स्वामी है ही, भगवान श्री की कृपा से ही बनाया, झूठ नहीं बोले। उन्होंने कहा मुझे भी तीनों लोगों का स्वामी बना दिया, आपको भी शायद कोई बड़ा वरदान दे दिया होगा, पहले चेक तो करके देख लो भाई क्या सच में ये काम करता है, ऐसी टोपी पहना दी आप, एक होता है ना टोपी पहनाना एक मुहारा है। तो उन्होंने कहा, ब्रह्मचारी जी ने कहा कि नहीं 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 पता नहीं आप क्या, एक बार चेक तो करके देख, थोड़ा जलेगा तो मत डराना भाई, हाथ है तो जलेगा तो जले है। तो वो ब्रह्मचारी जी की बातों में आ गए, विष्णु वेशधारी ब्रह्मचारी की बातों में भस्मासुर आए और जैसे ही उन्होंने अपने सिर के ऊपर हाथ रखा और भस्म हो गए। दूसरी कथा है, बताते हैं भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, ऐसी भी कथा है और अन्यत्र पुराण में मिलती है, दूसरे पुराण में। ये क्या है कि ये सारी कथाएं, कुछ लोगों को शंका होती है कि ये कथा यहाँ ये है वहां वो है, ऐसा है कि बहुत सारे सृष्टि हुई, बहुत बार सृष्टि हुई, कोई एक बार सृष्टि नहीं हुई, बहुत सारे कल्प हुए, तो कल्प भेद से कहीं कहीं तो कल्प भेद से जो सृष्टि का आरंभ भगवान शिव से हुआ है, कहीं कहीं कल्प भेद में भगवान विष्णु से सृष्टि का आरंभ हुआ है और कहीं कहीं भगवती शक्ति से सृष्टि का आरंभ हुआ है। तो कल्प भेद में ऐसा है कि ये सारी बातें झूठी नहीं है। आप जिस पुराण को पढ़ते हो, प्रत्येक पुराण में उस पुराण की महत्ता होती है। अब जैसे किसी की बारात जाती है, बारात में तो दूल्हे की महत्ता होती है ना, तो जिसका भी पुराण है तो उसी की महत्ता को वहां बताते हैं। लेकिन ये कल्प भेद से सारी बातें सच्ची हैं, ऐसा हम ये नहीं कहते, कोई शंका नहीं करनी चाहिए इनके ऊपर। ये हमारे जो पुराण हैं, ये पुराण इतिहास हमारा जो पुराना, और ये आज का नहीं है, ये सैकड़ों हजारों साल पुराना इतिहास है हमारा, और बहुत सारी बातें तो आज भी आप देख रहे हो सत्य हैं। अब भगवान शंकर की गुफा आज भी सत्य, अमरनाथ गुफा का एक साइड निकले, जब ये भस्मासुर के आतंक से जब भगवान शंकर निकल के गए हैं, तो अमरनाथ जो गुफा है वो एक सिरा था उसका गुफा का। तो ये बहुत बातें ऐसा कपोल कल्पित नहीं है, किसी के मन में बात आए कि ये सब कपोल कल्पित है, ऐसा नहीं है। हमारा जो भारतीय हमारे जो परंपराएं हैं, हमारे जो इतिहास है, पुराण है, ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। हाँ, इनके अर्थ मैंने जैसे बताया ना, कभी कभी अर्थों को लोग अनर्थ करके देखते हैं, उसको अर्थ समझाने वाला कोई हो उसके, क्योंकि शब्द में तीन शक्तियां होती हैं, शब्द की तीन शक्तियां होती हैं, अभिधा लक्षणा व्यंजना। अभिधा शक्ति जो होती है वो जैसा शब्द, जैसी कोई बात कही
उसी का अर्थ निकाल लेना वो अभिधा शक्ति है। लेकिन एक शक्ति होती है व्यंजना, एक शक्ति होती है लक्षणा, तो उसमें क्या होता है कि उसमें अर्थ डिफरेंट होते हैं। जैसे शब्द की जो लक्षणा शक्ति होती है उसमें क्या होता है, जटाभिस्तापसा, जैसे किसी ने कहा यष्टिय प्रविशन्ति, यष्टिय प्रविशन्ति का मतलब भाई लाठियां आ रही हैं, लाठियां अपने आप तो आएंगी नहीं, उसके साथ कोई ना कोई आदमी आ रहा है, हैं? तो ये उसकी शक्ति हुई शब्द की, उसको बताने का व्यंजना शक्ति होती है, हैं? जैसे किसी को व्यंग्य कहते हैं, किसी को अरे अरे आपके तो क्या कहने क्या, किसी को ऐसा बोल देते हैं अरे आप तो बहुत महान है, वो व्यंग्य करते हैं। तो व्यंग्य करने से कोई वास्तव में महान नहीं होता है, लेकिन व्यंग्य हो गया, व्यंजना शक्ति हो गई। तो शब्द की शक्तियां अलग अलग हैं, तो उसी प्रकार से उनके अर्थों को ग्रहण करना, ये जो हमारे ऋषि महर्षि हैं उन्होंने किस भाव में कब और कैसे प्रकरण और प्रसंग की भी बड़ी महत्ता है, कई बातें किस प्रसंग में कही हैं, उसका किस प्रकरण में चलते हुए उसको ग्रहण करना चाहिए उस अर्थ को, तो उसका भी महत्ता है। ये सारी बात, ये हमारे पुराणों में जो बातें लिखी हैं ये मिथ्या नहीं है। एक बात तो ये है, हमें श्रद्धा रख करके, श्रद्धा क्या है गुरु और वेदांत वाक्यों में, हमारे जो इनमें जब श्रद्धा है, विश्वास है, तो उससे ही, इसलिए तो भगवान, आप ये देखिए रामायण पढ़ते हो ना, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, आपने उमा महेश्वर को श्रद्धा विश्वास रूपिणो कहा, तो श्रद्धा और विश्वास की ये बातें हैं, श्रद्धा और विश्वास की। आप श्रद्धा रखते हैं, विश्वास करते हैं, तो निश्चित ही उसका फल भी मिलता है। तो आगे की बात बताते हैं, देखिए ये शिव पुराण की महिमा के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, ये प्राचीन आख्यान को ही, जो हमारे पुराने आख्यान हैं उन्हीं को ही पुराण बोलते हैं। तो इसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ जो कथा आती है इसमें भगवान देवादेव महादेव ने ही इस पुराण को बताया, ऐसा यहाँ सूत जी रोमहर्षण, रोमहर्षण का मतलब क्या समझते हैं, जब वो भागवत ये कोई भी कथा बोलते थे तो उनके रोम खड़े हो जाते थे, हमेशा भाव में रहते थे, हमेशा अद्भुत उस भाव में होना। देखिए भाव में होना भी बिना भाव के, आपके अंदर से अभी काव्य हो गया, यह जो ये वक्ता जो होते हैं वो जब तक भाव में नहीं आते तो उसके उस विषय को बता नहीं पाएंगे। जब उनके अंदर स्वयं साक्षात भगवान या ये कहिए कि उनकी कृपा या उनके गुरुओं की कृपा, आपको एक विवेकानंद जी का उपाख्यान बताता हूँ। एक बार किसी ने, जब विवेकानंद जी यूरोप अमेरिका आए भाषण देने के लिए, उन्होंने हमारी जो उपनिषदों के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में शिकागो में बोला, उसके बाद तो किसी ने उनको देखा, जब वो देखने वाला था, हो सकता है किसी की दृष्टि ऐसी हो, तो उनके साथ साथ उनको राम कृष्ण भी दिखाई दिए पीछे से। तो गुरु कृपा, विवेकानंद जी के ऊपर गुरु कृपा थी, भगवत कृपा थी। तो ऐसे ही मैं कभी कभी देखता हूँ, बहुत सारे महापुरुष हैं हमारे जो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ हमारे जो आचार्य जी हैं, ये सनातन धर्म का इतना अच्छा है, इतने सरलता से जैसा बताते हैं। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं पुराण को, हमारे यहाँ वेदों के चार भाग हुए, जो वेद हैं वो अपौरुषेय हैं, वेदों के चार भागों में से जो सबसे कठिन भाग था वो उसको वेदांत कहते हैं, माने मोस्टली वो आम आदमी से थोड़ा ऊपर की बातें होती हैं उसमें, वेदांत में कनिष्ठ होता है, थोड़ा समझना बड़ी आसान नहीं होता, क्यों आत्मा परमात्मा और ये सब चीज़ों के बारे में चर्चा होती है। लेकिन जो पुराण है, पुराण का ये भी वेदों के व्याख्यानभूत ग्रंथ ही हैं, इनमें भी जैसे ओम है, ओंकार है, प्रणव है, इसकी जो साधना है, गायत्री की जो भी आचार्य जी बता रहे थे, इनकी साधनाएं हैं, पुराणों में थोड़ा विस्तार से बताई गई है, थोड़ा उसको बहुत अद्भुत रूप से, थोड़ा बड़े रूप से कह करके बताया गया है।
तो यहाँ जो कथा है, देखिए शिव पुराण की कथा के बारे में चर्चा चल रही थी, यहाँ एक कथा आती है देवराज ब्राह्मण की। देवराज ब्राह्मण की कथा है, वह एक नगरी में रहता है। यहाँ बताया गया कि देवराज जो ब्राह्मण है उसकी शिवपुराण सुनने से मुक्ति हुई है। और शिवपुराण, ये सोनक जी कह रहे हैं यहाँ, सूत सूत महाभागा धन्यस्तम परमार्थविद अद्भुत एवं कथा दिव्या श्राविता कृपाहीना। सूत जी कहते हैं, सोनक जी कहते हैं, हे सूत महाभागा, आप धन्य हैं और परमार्थ के कारण है, आप दूसरों के परमार्थ माने दूसरों के हित के लिए अद्भुत जो दिव्य कथा है उसको आप हमें सुनाइए, ऐसा वो प्रयत्न से पूछते हैं सोनक जी। तो यहां पर सूत जी उनको बताते हैं, सूत जी कहते हैं कि ये मानवा पाप कृतो दुराचार रता खला कामादि निरता नित्यम ते अपि शुद्ध्यन्ति अनेन वै। देखिए कितनी अद्भुत बात कही है, कोई भी जो मनुष्य है इस संसार में या इस लोक में, वो चाहे दुराचारी हो चाहे कैसा भी हो, कितना ही खल हो, वो भी भगवान शिव की जो महापुराण है, भगवान शिव का ये महापुराण है, इसके सुनने मात्र से ज्ञान यज्ञ परोयम वह भुक्ति मुक्ति प्रदा सदा शोधनम सर्व पापा नाम शिव संतोष कारक। कहते हैं कि ये जो ज्ञान यज्ञ है, अब ज्ञान यज्ञ कैसे, आप पूछेंगे कि भाई यज्ञ तो आहुति देने से होता है, हैं? यज्ञ का जो प्रकार है जो आप लोग समझते हैं, हम लोग समझते हैं, हवन को ही यज्ञ मान बैठे हैं, लेकिन यज्ञ ज्ञान यज्ञ भी ज्ञान यज्ञ होता है। जब हम हमारे जो वक्ता हैं या गुरु हैं या जो आचार्य हैं उनकी वाणी जब शिष्य के, गुरु की वाणी शिष्य के कानों में जाती है तो वो भी एक प्रकार से यज्ञ ही होता है, आप समझे। उसके हृदय में भी ज्ञानाग्नि, उसके हृदय में जो ज्ञानाग्नि है उसमें जो मंत्र रूप से की आहुति दे करके उसके कानों के द्वारा, तो वहाँ भी एक प्रकार का यज्ञ ही होता है वो, तो ज्ञान यज्ञ कहलाता है। तो ये जो अभी मैं देखा आचार्य जी ने बड़ा सुंदर लिखा था, शिव पुराण यज्ञ लिखा है, हैं एक प्रकार से, तो ये ज्ञान यज्ञ ही है, ये शिव पुराण में आया है ज्ञान यज्ञ परोयम, यह जो शिव पुराण की कथा है ये अपने आप में ज्ञान यज्ञ है। तो आपको एक यज्ञ का फल मिल रहा है इसको सुनने पर भी। तो इसमें क्या हुआ, कहा कि एक समय में एक ब्राह्मण था, और वह कैसा ब्राह्मण था, वह दुराचारी था, वह ब्राह्मण कुल में पैदा जरूर हुआ था लेकिन उसकी वृत्ति ब्राह्मण की नहीं थी, वह हमेशा छल कपट करने वाला था, क्रूर था, तो और दूसरे का धन लेता था, धन हरने वाला था, तो एक प्रकार से, और जो यहाँ का रस को रस बेचने वाला था, है ऐसा इसमें आया है। वो तो जो देवराज नाम का ब्राह्मण था, एक बार वह जैसे अजामिल की कथा सुनी ना आपने, वह भी एक बार कहीं जा रहा था तो उसकी दृष्टि किसी नहाती हुई महिला को, उसको जैसे कैसे भी दृष्टि गई तो उसमें वो रत हो गया, हैं, और उसके बाद क्या वो माने एक प्रकार से वैश्यासक्त हो गया, कामासक्त जैसा था, पापी दुरात्मा था। लेकिन एक बार क्या हुआ, उसको तालाब में जब नहाने जा रहा था तो शोभावती नाम की जो महिला को देख करके वो काम के वशीभूत हुआ, और उसी में उसका, क्योंकि मन में हमेशा आज के समय में तो देखिए हम लोग, अब अजामिल की कथा है, देवराज की कथा है, इनको तो ये तो अकस्मात इन्होंने देख लिया कोई
दृश्य है और इनके जीवन की दुर्गति हुई। अब आप ये सोचिए जो जानबूझकर के देखते हैं उनकी कितनी दुर्गति होती होगी। तो ये और आंखों से मैं बताऊं, देखिए हमारे जीवन में जो पाप है वो कानों से आंखों से बहुत आते हैं और जीवा से भी, माने पाप का कारण जीवा भी बनती है। कभी कभी क्या होता है कि हम दूसरे की निंदा करते हैं, चुगलियां करते हैं, चुगली समझते हो, ये भी पाप का कारण होती है। आपको बताऊं एक आगे कथा भी आएगी ऐसी। तो ये क्या होता है कि हमारी जो पंच इंद्रियां हैं, हम यदि संयत नहीं है, संयत का मतलब अनुशासित नहीं है, यदि हम किसी अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में नहीं है, किसी अच्छे आचार्य के मार्गदर्शन में नहीं है, या हमारा हम सत्संग में नहीं जाते आते हैं, तो निश्चित ही हमारा उत्थान की बजाय पतन हो सकता है। यदि हम किसी अच्छी जगह से, जैसे जब तक पेड़ होता है ना, पेड़ की जड़ें भूमि में होती हैं, तो जितनी गहरी होंगी उतना ही पेड़ मजबूत रहेगा। तो उसी प्रकार के हमारे जो संस्कार हैं, अच्छे संस्कार, जैसे आप मंदिर आना है, अपने बच्चों को मंदिर लेके आते हैं, मैं आपको धन्यवाद का पात्र मानता हूँ। यदि आप आज इन्हें मंदिर का मार्ग नहीं दिखाएंगे ना, तो इनसे अपेक्षा मत करो कि आपको कल गंगा नहलाएंगे। क्योंकि जब तक इनको संस्कार आप नहीं देंगे, आप इनको शिव पुराण में, भागवत में, अच्छी कथाओं में, भगवान के संकीर्तन में यदि आप लेके आते हैं, तो निश्चित ही आप अपना तो कल्याण कर ही रहे हैं, उनका तो कल्याण कर रहे हैं, अपना भी कल्याण कर रहे हैं एक प्रकार से। ये आपके लिए भी बहुत अद्भुत है। बोल श्री शंकर भगवान की जय। तो यहाँ क्या है कि देवराज की जो कथा है, वो देवराज उसमें महिला में इतना आसक्त हो गया कि उसके अतिरिक्त उसको और कुछ दिखाई नहीं देता था। तो उसके माता पिता ने उसको मना किया, मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। तो इतना दुष्ट था, ऐसा आता है कथा में आता है, कि उसने अपने माता पिता को भी मार करके उनका धन लेकर के उनके यहाँ चला गया। हाँ, तो ऐसी कथा है। तो लेकिन क्या हुआ, एक दिन वह बाद में मद्यपान आदि भी करने लगा, तो एक प्रकार से निकृष्ट, तो निकृष्ट से निकृष्ट हो गया। तो एक दिन क्या हुआ, घूमता घूमता वह देह योग से प्रतिष्ठानपुर झूसी, ये इलाक प्रयाग के पास में एक जगह है, प्रतिष्ठानपुर झूसी। प्रयाग में बड़े यज्ञ आदि होते हैं, प्रयाग राज है एक प्रकार से, जो तीर्थ राज प्रयाग कहलाता है, प्रयाग को तीर्थों का राजा कहा गया है। तो एक बार वहाँ तीर्थराज प्रयाग में वह पहुंचा झूसी में, और उसने एक वहाँ उसको जबर हो गया, जबर का मतलब बुखार, अत्यंत शरीर में फीवर आ गया है। तो फीवर होने के कारण वह इतना फीवर हुआ, इतना ज़्यादा हुआ कि वह इवन ही कांट मूव, ही गोट फीवर एंड ही हैज टू लिसन शिव पुराण। देर वॉज इन प्रयागराज, वहाँ कथा चल रही थी, जैसे अपने यहाँ दक्षिणेश्वर धाम में कथा चल रही है शिव पुराण की, तो भगवान शिव का गुणानुवाद हो रहा था। तो उसने न चाहते हुए भी, देखिए आप लोग तो चाह करके सुन रहे हैं, निश्चित ही आपका कल्याण होगा, उसने न चाहते हुए भी भगवान शिव की कथा सुनी। और कथा सुनते सुनते क्या हुआ, रोज सुनता रहा, रोज कथा सुनती वो होती रही निरंतर कथा, जितने दिन बुखार था वह कथा सुनता सुनता एक मास तक वह कथा सुनता रहा। उसके बाद क्या हुआ, वो बुखार से उसका देहांत हो गया। बुखार से ही उसके, जब वो देहांत हुआ तो उसको यमराज के यहाँ से यम के दूत आए लेने के लिए, यमदूतों ने उसको, यमदूत जो ही उसको ले जाने के लिए आए, नरक ही जाना था उसको। तो इतनी देर में भगवान शिव के गण भी आ गए, भगवान जो शिव के पार्षद आ गए, उन्होंने कहा कि इन्होंने, ये अभी नरक में नहीं जाएगा, इसने भगवान शिव की कथा सुनी है। तो भगवान शिव की कथा सुनने का परिणाम क्या हुआ, उसकी उसको भगवान
शंकर के धाम उसको बाकायदा, ऐसा कथा में आता है कि यमराज ने उसको बाकायदा, यमराज ने उसका आदर मान करके उसको भगवान शिव के लोक को भेजा, ऐसी ये देवराज ब्राह्मण की कथा है। अब आप बोल शंकर भगवान की जय। अब आप ये देखिए, जब आप ये एक देवराज नाम का ब्राह्मण जिसने अनायासी बिना चाहते हुए भगवान शिव की कथा सुन ली, तो उसका उसको उसको शिवलोक मिल गया। आप लोग तो चाह करके हैं, प्रयत्न से यहाँ भगवान शिव की कथा सुनने आए हैं, निश्चित ही भगवान आपका भी कल्याण करेंगे, ऐसी मेरी मति है, ऐसा मैं सोचता हूँ। और इसके बाद तीसरा अध्याय है, यहाँ तीसरा अध्याय जो हमारा शिव पुराण के माध्यम का, उसमें भी एक कथा है ऐसी, उसमें एक चंचुला नाम की महिला, जैसे धुंधली है ना भागवत में, आपने भागवत सुनी होगी, धुंधली का वर्णन है, ऐसे ही यहाँ चंचुला नाम की महिला का वर्णन है। वो बड़ी ब्राह्मण परिवार में थी, वो भी उसका उसका पति भी, देखिए जैसे इसका कथा बड़ी संक्षेप में बताऊंगा, फिर आगे भी चलेंगे, क्योंकि ये जो जैसा आपने कहा 8 बजे तक का कार्यक्रम है, तो इसीलिए तो हम थोड़ा सा इसको थोड़ा और लंबा करते हैं, क्योंकि ज़्यादा थोड़ा लेट से भी शुरू किया है, तो इसीलिए उसको हम धीरे से। तो ये चंचुला की कथा कुछ इस प्रकार से है, ये चंचुला जो है इसके जो पति हैं, इसका पति ब्राह्मण जरूर है, लेकिन ब्राह्मण के कार्य नहीं है, ब्राह्मणों जैसे कार्य नहीं है उसके, और ब्राह्मणों की तरह उसका वृत्ति नहीं है, हैं? तो कुजनों का वास करता है, कुक्रम है, पर स्त्री आसक्त है, हैं? तो क्या हुआ कि घर में जब चंचुला के पति बाहर जा रहा है दूसरी महिला के पास, ऐसी कथा है ये, तो चंचुला भी धीरे धीरे उसको देख करके उसका भी पतन हो गया, और पतन होने के कारण वह भी परजार माने दूसरे पुरुष में आसक्त हो करके, एक दिन क्या हुआ, उन्होंने उसके पति को पता चला, उसका पति का नाम बिंदु, बिंदु उसके पति का नाम है, उसके पति ने कहा कि ये तो तुम ये क्या कर रही हो, लेकिन देखिए कितना दुष्ट प्रकृति का उसका पति है, वो कहता है कि यदि दुराचारी करना तो पैसे लेके करो, फ्री में क्यों करो, तो कितना दुष्ट वृत्ति है उसकी, हाँ? तो इससे क्या हुआ, उसको और बल मिल गया चंचुला को, तो और दुराचार में लिप्त हो गई, तो उसकी कथा क्या हुई फिर धीरे धीरे, ये तो खैर उनकी बुरी कथा है, इसमें कोई विशेष वो नहीं, आदमी के जीवन में उत्थान पतन होता है, ये पतन की कथा है उनकी, तो लेकिन उत्थान कैसे हुआ सुनने का वो है भाई, कोई गिर गया तो गिर गया, हम गिरे हुए क्यों नहीं देखे, हम ये देखे उसका उत्थान कैसे होता है, वो खड़ा कैसे होता है। तो क्या हुआ, उसका पति भी कामासक्त था, ही दूसरी महिला में आसक्त था, पत्नी के पैसे से उसने खूब अय्याशी की, और बाद में एक दिन वो चल बसा, उसको क्षय रोग आदि हो करके तो मर गया। तो फिर उसको पति के मरने के बाद वो और स्वतंत्र हो गई, और स्वच्छंद हो गई, और ज्यादा दुराचार में लिप्त हुई। तो दुराचार के चलते जब धीरे 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 उसकी आयु बड़ी हुई, तो एक दिन क्या हुआ, बंधु बांधवों सहित वह गोकर्ण तीर्थ में गए। देखिए गोकर्ण तीर्थ ये महाराष्ट्र से आगे है कहीं जगह, वहां गोकर्ण तीर्थ है, तो जहां वह गोकर्ण तीर्थ में गई वहां भगवान शिव की कथा चल रही थी, वहां कथा उसने तीर्थ में जाकर के कथा का श्रवण किया, और कथा में ऐसा वर्णन था कि जो महिलाएं व्यभिचार करती हैं, दुराचार करती हैं, तो उनके साथ नरक में यातनाएं उनको क्या मिलती हैं, वो जो जो कथा सुनती रही वो उसको अपने किए हुए कर्मों पे पश्चाताप होने लगा। देखिए पश्चाताप भी आदमी के अंतःकरण को स्वच्छ करता है, पश्चाताप पहले पाप, पश्चात माने उसके बाद ताप, उसका ताप माने जो उसके जिसने जीवन में कभी पाप किया उसका पश्चाताप करने से क्या होता है, उसका
हृदय पवित्र होता है, अंतकरण की शुद्धि होती है पश्चाताप से। तो उसको पश्चाताप हुआ कि मैंने इतने घोर कर्म किए हैं जीवन में। देखिए भगवान शंकर की कथा सुनने का पुण्य मात्र उसको इतना मिला कि उसे अंदर से पश्चाताप हुआ। उसको लगा कि मैंने क्या, मैं कितनी दुराचारिणी हूँ, मैंने कितने बुरे कर्म किए हैं। अब उसको लगा कि उसने अपना जीवन व्यर्थ ही उसका जीवन निकला। तो लेकिन क्या हुआ, वो कथा के बाद जो कथाकार थे या व्यास जी थे या जो वक्ता थे उनके पास जाकर के, पंडित जी के पास जाकर के उसने अपना वृतांत सुनाया, कहा कि मैंने बड़े दुराचार किए जीवन में और मेरी मुक्ति, मेरा मुक्ति का मार्ग क्या है, कृपया करके आप मुझे बताएं। तो उसने जो मुक्ति का, पंडित जी बहुत अच्छे थे, देखिए उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जो भी हुआ। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं गीता में, पीछे सुदुराचारोपि यो माम भजते अनन्य भाव, कोई दुराचारी भी मेरे को अनन्य भाव से भजन करता है मेरा, साधु रे मंतव्य, तो उसको साधु ही मानो। तो इसने पश्चाताप होने के कारण उसने पूछा पंडित जी से कि कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन करें। जैसे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहा, शिष्यस्ते हम साधित्वा माम प्रपन्नम, जब आप शिष्य भाव स्वीकार कर लेते हैं और आप मार्ग पूछते हैं तभी कोई मार्ग बताता है। तो उस पंडित जी ने, जो आचार्य थे, उन्होंने मार्ग बताया, कहा कि आप शिव पुराण की कथा का श्रवण करो। तो उसने पूरी शिव पुराण की कथा सुनी और कथा सुनने के बाद वह जो मृत्यु के बाद भगवान के शिवलोक को गमन हुआ उसका, भगवान शिव की कथा सुनने से शिवलोक का को गई और वहाँ शिवलोक में भी देखिए कितनी भाग्यशाली थी वो, उसने इतने अनन्य भाव से भगवान की भक्ति अपना वो किया पश्चाताप से, तो सारे उसके पाप दूर हो गए और भगवान शिव की कथा से उसके पुण्यों का ऐसा उदय हुआ कि वो भगवती पार्वती ने अपनी सखी के रूप में उसको स्वीकार किया। बोल श्री शंकर भगवान की। तो ये कथा सुनने का पुण्य उसको मिला चंचुला को, कि भगवान के गणों में भगवती सती पार्वती के उसमें साख्य भाव में सखित्व भाव को प्राप्त हुई, यह भगवान की कथा का पुण्य उसको, भगवान शिव की कथा, शिव पुराण की कथा का ऐसा पुण्य है। उसके बाद फिर क्या कहा कि अब बिंदु जो उसके पति था उसका क्या हुआ, ये क्वेश्चन आता है मन में आता है भाई उसका वो मर गया तो उसको। देखिए यदि पत्नी चाहे तो हमारी आने की, माने महिला के ऊपर है जीवन में, आप मैं बता दूं, वो चाहे तो हमारी पूरी पीढ़ी को, दो दो घरों को तो तारती है, पति के परिवार को भी और पिता के परिवार को भी, दोनों का कल्याण स्त्री करती है। वो चाहे तो कितना भी, देखिए ये चंचुला है, चंचुला ने एक बार भगवती पार्वती से प्रार्थना की कि आप ही महेश्वरी हैं, महेश्वर की पत्नी महेश्वरी हैं, और आप कृपा करके यदि मेरे ऊपर थोड़ी प्रसन्न हो तो कृपा करके मुझे बताएं मेरे पति कैसे हैं, कहाँ हैं, उनकी गति सदगति कैसे होगी। तो भगवती पार्वती तो सर्वज्ञ है, उन्होंने कहा कि आप तुम्हारे पति विंध्याचल में, जैसे जो ब्राह्मण होते हैं ना वो ब्रह्म राक्षस बनते हैं, हाँ? तो ब्रह्म राक्षस बन गए, पिशाच बन गया वो, तो उसके लिए वो बहुत कष्ट में है, कहने का मतलब ये है। तो कहा कि उसका कष्ट दूर कैसे होगा, कहा कि उसके लिए उनको कथा में, उनको कथा सुनना पड़ेगा उसको। चंचुला की प्रार्थना से जो उसके पति को भी भगवती पार्वती ने कहा कि उनको कथा का श्रवण करें, और वो कथा का श्रवण करने से क्या होगा, शिव पुराण की कथा के श्रवण से तुम्बुक या नाम के जो कथा वक्ता हैं उनके द्वारा, उन्होंने, वो भी नारद जी की तरह वीणा रखते हैं, तो उन्होंने विंध्य पर्वत पर जाकर के उनको शिव की कथा सुनाई, और शिव की कथा सुनने से जितने 9 दिन तक जो कथा चली उसके बाद वो बिल्कुल जर्जर उसका शरीर हो गया था हड्डियों से, वो निकल करके वो भगवान शिव के लोक को हो भी गया। बोल शंकर भगवान की जय। तो ये उनके पति की भी, चंचुला के पति की भी सदगति हुई भगवान शिव की कथा से। तो आप ये देखिए अभी 3 लोगों की सदगति तो आप लोगों ने सुनी ली, देवराज की सदगति हुई, चंचुला की सदगति हुई, चंचुला को तो भगवती
का साक्य भाव प्राप्त हुआ। सखी भाव ये आसान नहीं है, जैसे और फिर उसके पति बिंदु की भी सदगति हुई, उनको भी भगवान शिव का जो लोक है शिवलोक की प्राप्ति हुई। तो ये शिव पुराण की कथा का पुण्य प्रताप है कि दुराचारी भी जो सभी प्रकार से नष्ट भ्रष्ट है। आपको एक संस्कृत में एक बड़ा सुंदर छंद है, उसके बारे में एक छोटी सी कथा ऐसे ऐसे याद आ गई बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, कोई भिक्षुक था, वो किसी के यहाँ मांगने गया है। तो संस्कृत का छंद है, बहुत अद्भुत है। हाँ, वो मांगने गया, जिस कमंडल जिसमें मांगने के लिए गया, भिक्षा लेने के लिए गया, उसमें थोड़ा सा उसमें कहीं मांस के कण लगे हुए थे हल्के से। तो महिला ने पूछा, जिसके उसने भौतिक भिक्षा हम दे ही कहा, तो उसने पूछा, भिक्षो तो मांस मांस नियोजन प्रपुरुषे, अरे भिक्षु तुम मांस मांस खाते हो। उसने कहा, भिक्षु था जो, उसने कहा, किम तेन मध्य बिना खाता हूँ कभी कभी, लेकिन बिना मध्य के नहीं, बिना शराब के नहीं खाता। तो उसने कहा, ओ मध्य चापी तो प्रियम, आपको मध्य भी प्रिय है। उसने कहा, प्रियम हो वारांगना भी सह, हाँ यदि स्त्रियों का संग मिले तो मो भी। उसने कहा, तासाम तो अर्थ रुचि कुतस्तो धनम, भाई उनकी तो अर्थ में रुचि होती है, धन में रुचि होती है, तुम्हारा धन कहाँ है। कहा, द्वितीय ने चोरी है ना, मैं चोरी कर लेता हूँ, ये जुआ खेल लेता हूँ, उससे धन आ जाता है। हाँ, तो उसने कहा, द्यूत चोर प्रिकरो भी होता, संस्कृत की कहावत है। उसने कहा कि आप चोरी और जुआ भी खेलते हैं। उसने कहा, नष्टस्य कान्या गति, भाई जब नष्ट ही है भ्रष्ट ही है तो हमारी और क्या गति होगी। तो ये बताता हूँ, जो इतने भी नष्ट भ्रष्ट है उनकी भी गति है, कान्या गति, उनकी भगवान शिव की कथा सुनने से उनकी गति है, उनका जो मोक्ष है, उनका जो उनको जो शिवलोक की प्राप्ति होती है शिव पुराण की कथा सुनने से। ऐसे भी दुष्टों की, अभी देवराज है ये, आपने मैंने चंचुला का सभी का उदाहरण आपको दिया अभी अभी है, इनकी गति हुई है, ये पुराण ऐसा बता रहा है। तो ये शिव पुराण की महिमा है कि इससे दुराचार से दुराचारी की भी सदगति भगवान देखिए। लेकिन एक यहाँ एक बात मैं आपको बताऊं, इनकी जो गति हुई है वो कोई इसी कारण नहीं हुई है कि उन्होंने केवल शिव पुराण सुनी है, उन्होंने पश्चाताप भी किया। चंचुला ने पश्चाताप किया, बिंदु ने पश्चाताप किया, उनको अंदर से ग्लानी भी हुई जो उन्होंने काम किए, जो उन्होंने गलत किया। जब तक आपको ये बोध नहीं होता कि हम गलत हैं, हम गलत मार्ग पे हैं, और आपको बोध कौन कराएगा, कोई आचार्य कराएगा, जैसे हमारे शंकर जी हैं, आचार्य जी हैं, ये बोध कराते हैं आपको, इतना बढ़िया, इतना अच्छा अच्छी। कल मैं सुन रहा था, बहुत आचार्य जी बहुत सुंदर बोलते हैं, कल उन्होंने सत्यनारायण भगवान की कथा इतनी ब्रीफ में सुना दी, मैंने गागर में सागर भरने वाली बात है। जिनके जीवन में कोई अद्भुत, कोई अच्छा मार्गदर्शक आ जाए, गुरु आ जाए, आचार्य आ जाए, निश्चित ही उनको सन्मार्ग पकड़ लेंगे। उनके जीवन में कोई न्यूनता भी है तो उसको वो गुरु पूरी करेगा, उनको अच्छे मार्ग पर ले जाएगा, और शिव पुराण आदि की कथा से निश्चित ही उनका कल्याण होगा, ऐसी ये हमारे जो शास्त्र ऐसा कहते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। तो इस कथा के बाद फिर ऐसी बहुत सारी कथाएं भागवत में आती हैं। हाँ, यहाँ पंचम अध्याय में जो तुम्बुरु के द्वारा का मैंने बता ही दिया है, तो यहाँ इसके बाद महात्म्य में खत्म ही होता है, उसके बाद महात्म्य का कोई ज्यादा वो नहीं है। इसमें शिव पुराण के श्रवण की विधि के बारे में आता है महात्म्य में, भाई छठा जो अध्याय है वो कहता है कि शिव पुराण को कैसे सुनना चाहिए। भाई यहाँ बताते हैं कि शिव पुराण को विधिवत पहले तो क्या है कि ज्योतिषी से या अच्छे मुहूर्त में, कोई अच्छा मुहूर्त, जैसे आचार्य जी ने कहा ये बहुत अच्छे मुहूर्त में आचार्य जी ने शिव पुराण शुरू की। और मैं तो बल्कि आज जान करके बड़ा हैरान हुआ, आचार्य जी के देखा देखी हमारे पूरे नीदरलैंड में कथा का आयोजन हो रहा है अभी। ये देखिए आचार्य जी का पुण्य प्रताप कहिए या भगवान शिव की महिमा कहिए, देखिए भगवान शिव की अद्भुत महिमा है। वो जिसको प्रेरणा करते हैं ना, ज्ञानी नापि चेतांसी भगवती देवी सा अवलादा कृष्ण मोहाय महामाय प्रेक्षति, क्योंकि शिव और शक्ति वो एक नहीं है, अर्धनारीश्वर है, वहां दोनों हैं।
और तो ये भगवान की ऐसी कृपा है, वो बड़े बड़ों का मन मोह लेती है, उनकी जो लीला है भगवान शिव की लीला। अच्छा, भगवान शिव की लीला से एक याद आई कथा, एक छोटी सी ऐसी में पुराण में आएगी, नारद जी के बारे में ऐसा एक कथा है, नारद जी की कथा। और हमारा आज का जो कार्यक्रम है उसमें नारद जी कथा के को कह करके हम पूर्ण करेंगे। क्या है कि एक बार नारद जी तपस्या करने गए और तपस्या करते करते उनको ऐसा लगा, तपस्या जब कर रहे थे, अद्भुत तपस्या की उन्होंने, बहुत समय तक, लंबे समय तक तपस्या की, तो इंद्र को बड़ा, ये क्या है कि हमारे यहाँ कोई भी तपस्या करता है तो इंद्र आदि को थोड़ा भय होता है, कहीं मेरा पद ना ले ले, हाँ, तो ये उनको एक भय रहता है। तो इंद्र को लगा कहीं ये नारद इतनी तपस्या कर रहे हैं, कहीं मेरा पद, इंद्र पद पाने के लिए तो तपस्या नहीं हो रही हो, उनके मन में आया ये भाव। तो उन्होंने काम आदि जो कामदेव हैं, कामदेव को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा, जैसे विश्वामित्र की तपस्या के लिए भंग, की तपस्या भंग करने के लिए मेनका आदि को भेजा था, तो उसी प्रकार कामदेव बसंत के साथ उसकी, नारद जी की तपस्या को भंग करने लिए पहुंचा। उन्होंने अपने पांचों बाण चलाए, लेकिन नारद जी की तपस्या में कोई खलल नहीं पड़ा। वो क्या था कि वो जो क्षेत्र था वो भगवान शिव की कृपा से वो काम के, कामदेव के जो प्रभाव है उससे बाहर था। कामदेव का प्रभाव उस क्षेत्र में काम ही नहीं करता था। जैसे कुछ जो होता है ना, क्षेत्र ऐसा होता है, जैसे अभी आप ये सोचिए, अभी जहाँ हनुमान चालीसा चल रही हो वहाँ भूत पिशाच नहीं आते, वो भूत पिशाच के क्षेत्र की बाहर की बात आप समझ ले बात। जब हनुमान जी का नाम जब जपते हैं, हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ऐसा ही जहाँ भगवान शिव ने तपस्या की थी तो तपस्या, भगवान शिव की तपस्या के प्रभाव से वह क्षेत्र क्या हुआ, वो कामदेव के प्रभाव से रहित हो गया, वहां कामदेव का प्रभाव नहीं रहा। और इसको नारद जी को इस बात का ज्ञान नहीं था, नारद जी को इस ये बात ज्ञात भी नहीं थी कि ये भगवान शंकर के प्रभाव से ऐसा है। नारद जी को लगा कि उन्होंने तो काम को जीत लिया है, अहंकार आ गया। तपस्या का बड़ा अहंकार होता है, कभी कभी तप का बड़ा अहंकार होता है। आपने, आप तप करते हो, तब से भी आदमी को थोड़ा सा ये लगता है कि, क्योंकि उसकी विशेष वो एनर्जी होती है और उसका जब एनर्जी ऊपर की तरफ जाती है तो आदमी उसमें रिद्धियाँ सिद्धियाँ बहुत सारी चीज़ आती हैं। जब हमारे जीवन में तपस्या शुरू होती है तो भगवान पहले धन देते हैं, फिर यश देते हैं, सब कुछ देते हैं कि वो मेरे पास ना आए, आप समझ गए। उसको भगवान को पाने के लिए, देखिए दो प्रकार के भक्त होते हैं, वैसे तो चार प्रकार के, भगवान श्री कृष्ण ने कहा। एक भक्त होते हैं जो भगवान को चाहते हैं, और एक भक्त कहते हैं ऐसे होते हैं जो भगवान से चाहते हैं। और आज के समय में भगवान से चाहने वाले ही ज्यादा हैं, भगवान को कोई नहीं चाहता, भगवान से ही चाहते हैं सब कुछ। कोई पुत्र चाहता है, कोई पुत्री का विवाह चाहता है, कोई संपत्ति चाहता है, कोई नौकरी चाहता है, कोई नया मकान चाहता है, प्रत्येक की बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, कोई इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही भगवान के पास आते हैं। भगवान को पाने के लिए भगवान के पास तो शायद ही कोई बिरला आता हो। तो यहां क्या हुआ, नारद जी को बड़ा अहंकार हुआ अपने ऊपर, तपस्या के मुंह से अपने भगवान शंकर के पास गए, कहा कि मैंने कामदेव को जीत लिया है, आपने तो कामदेव को जला दिया था, हैं, आपके अंदर तो फिर भी क्रोध रहा है, मैं क्रोध से भी ऊपर उठ गया। वो अपने को भगवान शंकर से भी ऊपर समझने लगा, कहा कि मेरे अंदर तो क्रोध भी नहीं आया और कामदेव को भी, कामदेव को हरा दिया मैंने। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा किया और आप है भी योग्य, आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आपके अंदर तो ये सामर्थ्य है, वैसे ही है। लेकिन उसको थोड़ा अहंकार हुआ। शंकर जी ने कहा कि ये बात मुझे तो कहीं और किसी को मत कहना, क्या कि तब की बात थी। लेकिन ऐसा है, नारद जी को बात पची नहीं, नारद जी तो है ना नारायण नारायण सब जगह जाते हैं, है, उनको बात पचती भी नहीं है ज्यादा। तो नारद जी तुरंत ही ब्रह्मा जी के पिताजी के पास पहुंचे, पिताजी को कहा पिताजी मैंने तो कामदेव को हरा दिया, भगवान शिव भी जिसको जला करके, भगवान शिव भी जिससे बच नहीं पाए, बड़े बड़े ऋषि महर्षि नहीं बच पाए, तो मैंने कामदेव को हराया। ब्रह्मा जी बोले ठीक है, अच्छी बात है, ये बात मुझे तो कोई और किसी को मत कहना, उन्होंने भी ऐसे ही कहा। लेकिन क्या,
उसको तो ये पढ़ी थी मैं अभी, क्योंकि भगवान जो विष्णु है, नारद जी की अनन्य निष्ठा भगवान विष्णु में है, तो उनको लगा कि मैं मेरे आराध्य देव को भी ये बात बताऊं। बात पची नहीं तो भगवान विष्णु के द्वार पहुंचे। भगवान विष्णु ने पहले देख लिया कि तो सर्वज्ञ सर्वज्ञ है, सर्वंतर्यामी है, उन्होंने पहले देख लिया कि नारद आ रहा है जरूर। तो नारद जी को पहले ही प्रकट हो गए, अरे नारद कहाँ, अरे महाराज मैं तो आप ही के पास आ रहा था, आप रस्ते मिल गए। बोले चलो अच्छी बात है, बताओ क्या क्या बात है। कहा कि प्रभु मैंने कामदेव को जीत लिया। तो वो बात जो भगवान शंकर ने कही थी दूसरे को मत कहना, वो भगवान विष्णु को बोल दी। भगवान विष्णु ने जान लिया कि ठीक है, अभी इसको अहंकार हो गया है, हैं, और इसका थोड़ा सा, इसको थोड़ी सी भगवान की माया दिखानी थी, लीला दिखानी थी। कहा कि बहुत अच्छी बात है, आप तो है ही इस योग्य हैं, आप तो आप में कमी क्या है, आप तो जीत ही सकते हैं। तो उन्होंने भी थोड़ा सा सत्कार करके उनको जाने चले गए। तो क्या हुआ, एक भगवान की लीला से एक बहुत सुंदर नगरी में पहुंचे नारद जी। उस नगरी के राजा ने नारद जी का बड़ा आवभगत किया। नारद जी आए, राजा ने स्वागत सत्कार किया, रेड कारपेट बिछाया, जैसे होता है ना बड़े बड़े राजा महाराज वो आते हैं जब, तो बड़ा जोरदार स्वागत सत्कार हुआ नारद जी का। और राजा ने कहा, महाराज आप की कृपा हो तो आप तो सब कुछ जानते हैं, आपने इतने बड़े तपस्वी हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आप एक बार मेरी पुत्री का थोड़ा सा हाथ देखिए, इनके विवाह योग्य कुछ कोई योग हो तो इनके जीवन में। तो पुत्री को बुलाया, उनकी पुत्री अप्रतिम सुंदरी, और जो तो उनकी पत्नी को देख करके नारद जी, उनकी पुत्री को देख करके नारद जी का जो काम को जीतने वाला जो था वो लीला थी, वो तो भगवान भगवान की लीला थी। तो क्या हुआ, श्रीमती नाम की जो वो महिला थी उसका नाम श्रीमती था, तो क्या कि उनको देख करके उसके काम आसक्त हो गए, उनको लगा कि मैं तो इन्हीं से शादी करूँगा। कहा कि इनका विवाह करो, ये तो लक्ष्मी की उनके समान, इनकी जो रेखाएं हैं लक्ष्मी के समान है, उसको क्या पता है साक्षात लक्ष्मी ही है, हैं? वो थी साक्षात लक्ष्मी, भगवान विष्णु की तो लीला से था, भगवान विष्णु तो दिखाना ही चाह रहे थे उनको। तो क्या हुआ कि इनका विवाह का स्वयंवर रखो, स्वयंवर का, और स्वयंवर में क्या हुआ, भगवान विष्णु के पास नारद जी पहले ही प्रकट पहुंच गए। विष्णु के वहां जाकर के कहा कि महाराज मुझे एक मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे आपका हरि रूप दे दो। नारद जी ने भगवान विष्णु से उनका हरि रूप मांगा। विष्णु ने कहा हरि रूप की तुम्हें जरूरत क्या पड़े। कहा कि महाराज आप दे दो, और कोई चर्चा ना करे, बता ही नहीं बात, क्योंकि वहां पहले कह रखा था मैंने कामदेव को जीत लिया, तब कैसे कहे वहां, हैं? तो ये बात तो कह नहीं पाए, क्योंकि पहले उसने ज्यादा बड़ी बड़ी आप बोल देते हैं ना हम लोग कभी कभी, जैसे कभी कि आपने किसी को जा कह दिया मेरे यहाँ तो हेलीकॉप्टर है, फिर किसी कार नहीं मांग सकते आप समझ गए। कभी होता है तेरे यहाँ हेलीकॉप्टर तो कार मांगने क्या कर रहा है, आप समझ गए। कभी कभी हम बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, मेरे यहाँ तो 50 करोड़ है, 100 करोड़ है जाने के लिए, फिर 100 यूरो मांगते हैं, तो थोड़ा सा लगता है ना। तो नारद जी को लगा कि बहुत छोटी बात हो गई थी, मैं अपने बारे में विवाह की बात करूंगा तो ठीक नहीं है। तो कहा कि नहीं महाराज आप मुझे हरि रूप दे दीजिए और मेरे ऊपर कृपा कीजिए। भगवान विष्णु तो अंतर्यामी है, उन्होंने जान लिया इनका मन में, और शिव की लीला थी सारी की सारी। तो उनको क्या हुआ, भगवान विष्णु ने जान लिया कि शिव की लीला है सारी, तो उनको हरि रूप दे दिया। हरि बंदर को भी कहते हैं, उन्होंने अपना हरि रूप बंदर वाला रूप उनको दे दिया सभी को। तो जितने जहां स्वयंवर था, स्वयंवर में सभी को तो ऋषि ही दिखे, केवल जो स्वयंवर स्वयंवरा थी, जिस स्वयंवर में जिसका महिला जो युवती थी उसको उनका वास्तविक रूप दिखाई देता था, हरि माने हरि रूप का मतलब बंदर वाला रूप। और भगवान शंकर के दो गण भी गए थे, गणों ने भी भगवान की कृपा से उनके रूप का दर्शन कर लिया। बाकी जो राजा थे और लोग थे उनको वो नारद जी का पुराना ही रूप, उनको सबको भगवान की कृपा थी, भगवान अपने भक्त का उपहास नहीं चाहते थे, उनको लीला थी उनकी, वो एक सीख देनी थी, लेकिन नहीं चाहते थे कि उनका कहीं उपहास हो, उनकी हंसी उड़े। तो उनका औरों की दृष्टि में वो नारद के ही रूप में थे, लेकिन जब उस युवती ने जो स्वयंवर में थी, युवती ने देखा कि वो बंदर का चेहरा लगा के आए हैं,
तो उसको और गुस्सा हुआ कि मेरे सोमवार में बंदर का रूप, इसका मतलब देखो मैं बंदर में विवाह करूंगी, है उसको गुस्सा आया। तो उसने देखा तक नहीं नारद जी की तरफ, और जाकर के वहां भगवान विष्णु ही एक राजकुमार राजा के रूप में प्रकट हुए, और भगवान विष्णु को ही भगवती, वो भगवती का ही रूप थी, उनको माला पहना, उनका वरण कर लिया, भगवान विष्णु लेकर के उनको अंतर्ध्यान हो गए। बोल शंकर भगवान की जय। तब जब उनको लगा कि ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ है, तो फिर जो भगवान शंकर के गण थे उन्होंने कहा महाराज अपना चेहरा तो देखो उस दर्पण में जाकर के। नारद जी ने जब चेहरा देखा दर्पण में, ओहो वो तो बंदर का चेहरा उनको दिखाई दे गया। अब तब उनको लगा कि फिर नारद जी को उन्होंने साफ दिया, नारद जी ने भगवान विष्णु को साफ दिया कि आपने मुझे जिस बंदर के लिए वो बनाया है, ये बंदर रूप ही आपका सहायक होगा, आपको सहयोग करेगा है। तो फिर राम जी के, और आप भी स्त्री के रूप में, स्त्री के वियोग में ऐसे तरसेंगे, तो सीता जी का, राम जी का जो ये प्रकरण है रामायण में आप सभी जानते ही हैं। तो लेकिन फिर भगवान विष्णु ने जब उनके ऊपर कृपा की और माया को हटा लिया, जो उनकी लीला थी उसको हटा लिया, फिर उनको बड़ा दुख हुआ, बड़ा पश्चाताप हुआ, और फिर उन्होंने भगवान विष्णु से बड़ी प्रार्थना अनुनय विनय किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो भी हुआ है, आपने जो साप दिया है वो वापिस तो क्या होगा, वो वैसा ही होगा जैसा आपने कहा है, लेकिन क्या कि ये भगवान की लीला थी है, अब आपको ये देख लिया कि अपने पे अभिमान नहीं करना चाहिए। तो इस कथा से क्या सीख मिली, हमें भगवान के सामने या कहीं भी जा कर के अभिमान से मत जाइए। ठीक है आपके अंदर कुछ क्वालिटीज हैं, आपके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज हैं, आपने दुनिया को जीत लिया हो, तो भी भगवान के सामने अभिमान मत लेके जाना, ऐसी इस कथा से सीख मिलती है। बोलो शंकर भगवान की जय। तो आज के कथा में आज हम इतना ही चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी 8:30 बज गए हैं और 1 घंटे का आचार्य जी ने कहा था हाँ, तो 1 घंटा हो गया है। तो अभी थोड़ा सा भगवान शंकर जी का संकीर्तन कर लें हाँ, मैं बोलूँगा आप मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। और ये देखिए श्रावण मास है, इसमें भगवान शंकर के नाम की महिमा है, और आप लोग सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं। मैं देखता हूँ आचार्य जी रोज पंचाक्षर मंत्र से, शिव पंचाक्षर से आपका इतना अद्भुत अभिषेक कराते हैं, तो सभी लोग आप मंत्र प्राप्त हैं, शिव दीक्षित हैं, शिव दीक्षा अब मंत्र की दीक्षा आपकी हो चुकी है, तो इसीलिए वैसे तो शिव पुराण में कहा है जिसने दीक्षा नहीं ली उसको शिवाय नमः जपना चाहिए, शिवाय नमः, और जिसने दीक्षा ले ली वो नमः शिवाय भी जप सकता है, तो ऐसा आया है। तो बाकी आप लोग सब समझदार हैं है, आपको यदि अपने कल्याण करना है तो भगवान शिव का गुणानुवाद अपनी वाणी से, आपकी वाणी भी धन्य होगी, ओम परम पवित्र होगी, और आचार्य जी का प्रयत्न सार्थक होगा, जो ये इतना बढ़िया प्रोग्राम आचार्य जी ने किया, अद्भुत कार्यक्रम का आयोजन किया आचार्य जी ने श्रावण मास में। तो हम सभी एक बार नमः शिवाय मंत्र का हम कम से कम तो 11 बार हम जाप करेंगे, क्योंकि 11 दिवसीय है, तो 11 बार कम से कम हम लोग सभी बोलेंगे। सभी सीधे बैठ जाएं, थोड़ा सा कमर सीधी होनी चाहिए, ध्यान रखिए यदि कमर सीधी है और आंखें हल्की सी बंद कर लो, क्योंकि आंखों से फिर इधर उधर देखना ना पड़े हाँ। हम लोग आंखें बंद करके नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय।